मग कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्राने आता एनआयएकडे दिला आहे. अर्बन नक्षलचं एक खूप मोठं जाळं हे महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी शोधून काढलं, त्याचे सगळे पुरावे त्यांनी सादर केले. सुप्रीम कोर्टापर्यंत ही केस गेली. सुप्रीम कोर्टाने देखील त्या संदर्भात पूर्णपणे महाराष्ट्र पोलिसांच्या बाजूने निर्णय दिला. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ मतांच्या राजकारणाकरता या ठिकाणी बुद्धिभेद करून लोकांमध्ये एक मतांचं राजकारण करायचं याकरता ज्या प्रकारे राज्यभर नवीन सरकार आल्यानंतर काही लोक प्रयत्न करत होते की पोलिसांचं मॉरल डाऊन झालं पाहिजे, पोलिसांना त्या ठिकाणी दबावाखाली आणलं पाहिजे, मला असं वाटतं की हा जो काही निर्णय झालेला आहे हा योग्य निर्णय आहे. एनआयएच्या माध्यमातून याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण याचं जाळं हे केवळ महाराष्ट्रापुरतं नाही आहे, संपूर्ण देशामध्ये याचं जाळं आहे. आणि आपल्यालाही माहिती आहे, मी यापूर्वी देखील माहिती दिली आहे, ज्यांच्याबद्दल आज बोललं जात आहे त्यांच्याबद्दल मागच्या युपीएच्या सरकारने लोकसभेमध्ये हे अर्बन नक्षल ऑर्गनायझेशन्स आहेत अशा प्रकारचा अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे दुटप्पी धोरण बंद झालं पाहिजे आणि जे समाजविरोधी कारवाया करतात त्यांच्या विरोधात सगळ्यांनी एकजूटपणे उभं राहिलं पाहिजे. देखिए, महाराष्ट्र पोलीसने बहुत ही अच्छे तरीके से तफ्तीश करके अर्बन नक्षल्स का पर्दाफाश किया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक केस गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र पुलिस के हक में ही अपना फैसला दिया. बावजूद इसके नई सरकार आने के बाद कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए जिस प्रकार से पुलिस को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और जिन केसेस में पूरी तरीके से तफ्तीश होकर और कई केसेस में चार्जशीट भी दाखिल हुई है उसको मोड़ने का प्रयास वोट की राजनीति के लिए कर रहे थे. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनआईए को केस गई है बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि ये केस केवल महाराष्ट्र के लिए मर्यादित नहीं है, पूरे देश में इसका जो फैलाव है वो हमको देखने को मिलता है. अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग एविडेंस हमको और देश को मिले हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि एक बिल्कुल सही फैसला केंद्र सरकार ने यहाँ पर किया हुआ है, जिसके माध्यम से अर्बन नक्सल्स का ये जो चेहरा है इसका पर्दाफाश होगा. सबसे महत्व की बात यह है कि इसमें दोगली भूमिका चल रही है. इन्हीं लोगों के बारे में और इनके संगठनों के बारे में पिछले समय जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए के मंत्री ने लोकसभा में ये अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रकार का बयान दिया, और आज उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यूपीए के घटक कर रहे हैं. मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है, देश हित में काम होना चाहिए.